जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने सहजनवा के पूर्व वीडियो दुर्योधन सहित चार पर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सहजनवा ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान शिकायत प्राप्त हुई थी कि बिना काम किए भुगतान किया गया है, उसमें शोषण व अनियमितता की शिकायत आई थी, जिसके लिए जाँच के लिए कमेटी गठित की थी। जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ कार्य बिना किए गए भुगतान किया गया, कुछ काम भुगतान से पहले किया गया, जिसके बाद सत्यापन होने की बात आई तब उसको पूरा किया गया। जांच में शिकायत व अनियमितता पाई गई, जिसके आधार पर तत्कालीन सहजनवा के वीडियो दुर्योधन एनपीओ सहित कुल चार लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसको विस्तृत जांच किया जा रहा है। वीडियो दुर्योधन के कार्यकाल में जितने भी भुगतान हुए हैं उसकी विस्तृत जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। उनको सस्पेंड करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है, साथ ही जड़ तक जाकर कार्यवाही की जाएगी। शासन के जीरो करप्शन की नीति के मंशा अनुरूप कार्य किया जा रहा है, जिसका शत प्रतिशत पालन करवाया जा रहा है। जन शिकायतों के निस्तारण के प्रति गंभीरता व शासन की योजनाओं को लागू करने में पारदर्शिता का परीक्षण के साथ गोपनीय जाँच की जाएगी, जिसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जो सहजनवा ब्लॉक में निरीक्षण के दौरान कुछ शिकायतें मिली थी कि बिना काम किए भुगतान किया गया है और उसमें शोषण और अनियमितता की शिकायत आई थी, उसमें मैंने विस्तृत जांच कमेटी गठित की थी। जांच रिपोर्ट में ये पाया गया कुछ कार्य बिना काम किए भुगतान किए गए, कुछ काम भुगतान पहले किए गए और उसके पश्चात मेरे जब सत्यापन होने की बात आई तभी उनको पूरा किया गया। इस तरह की गंभीर शिकायतें गंभीर अनियमितता पाई गई, उसके आधार पर तत्कालीन वीडियो श्री दुर्योधन और एवं एपीओ एवं अन्य पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकता दर्ज करके विस्तृत जांच के लिए बोला गया है। साथ ही साथ श्री दुर्योधन के कार्यकाल में जितने भी भुगतान परियोजनाओं के हुए हैं उन सब की विस्तृत जांच करके कार्रवाई की जाएगी। उनको सस्पेंड करने के लिए शासन को लिखा गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण के जड़ तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। शासन की जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन के नीति के अंतर्गत शासन के मंशानुरूप सभी अधिकारियों के आम छवि, शिकायतों के निस्तारण के प्रति गंभीरता एवं शासन की योजनाओं को लागू करने पर पारदर्शिता तत्परता का परीक्षण किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा, गोपनीय जांच की जाएगी और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।